हाय गाइस, हमने गोभी के लिए जो कढ़ाई रखी है उसमें तेल डाला, उसमें केसर डाला है। अब उसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। हाय गाइस, अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे केसर के अंदर। हरा धनिया में इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के मिला देंगे, इसको हरा देंगे। फिर इसमें हमने जो गोभी लिया था उसको उबाला था और उसमें का पानी फेंक दिया है। अब ये गोभी उसमें डाल देंगे। गोभी को बना लेंगे और इसको बना कर पहले इसमें थोड़ा सा गलने के लिए पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हाय गाइस, हम इसको अब देखिए गाइस, हमने आटा गूंद के पूरा मिला लिया है। इसमें गोभी मिला दी है बनाने के लिए, अब पराठे के लिए ये रेडी है। अब हम इसमें सूखा आटा पलीथन के लिए डालेंगे और अब बनाना करेंगे स्टार्ट पराठा। देखिए गाइस, हमने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके लिए हम पेड़ा बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं और ये पराठा अपना रेडी हो गया है। करने के लिए बेलना पड़ेगा इसे। गाइस, हम इस पर पराठा डालने के लिए थोड़ा सा तेल छिड़क रहे हैं तवे पर। अब इस पर हम पराठा डालेंगे और ये पराठा हमारा बन के रेडी गोभी का। हाय गाइस, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाएंगे, रिफाइन ऑयल लगे, और इसको फिर उल्टाएंगे उल्थानी से और ये पराठे को ऐसा हिला के चौ तरफ से हो जाएगा ये। और फिर इसको सीधे तरफ से तेल ऑयल लगाएंगे, रिफाइन ऑयल, और ये इसको फिर उलट पुलट करेंगे कि ताकि ये जल ना सके। देखिए गाइस, ये पूरा एक तरफ से हो चुका है और अब हमने इसको पलटा के दूसरी तरफ से सेकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये पूरा बन के रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको खाने के लिए तैयार। देखिए गाइस, हमारा गोभी का पराठा बिल्कुल परफेक्ट रेडी होके तैयार हो चुका है और अब हम इसको खाने के लिए तैयार ले जा रहे हैं। और ये हमारा टमाटर का सॉस।